मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? और फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसमें स्क्वायर रूट निकालने का आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है, जब डेसिमल में या दशमलव में जब हम लोग वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम लोगों को कितना प्रॉब्लम जाता है। तो चलिए मैं ये वाला फार्मूला आपको बताता हूँ। इसमें लाइफ टाइम आप एकदम सेकेंडों में स्क्वायर रूट डेसिमल में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला समझते हैं। तो बच्चों, इसका फार्मूला है, आप लोग पेपर को ध्यान से देखिए। ये है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स। अब आप बोलेंगे, सर ये क्या है? मैं अभी तुरंत एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तुरंत सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग थ्री का रूट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? थ्री का रूट। तो बच्चों, इसमें मैं थ्री का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। इसमें आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो थ्री के आसपास का ऐसा नंबर है जिसका हम एक परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है, मतलब जैसे कि फोर, फोर में क्या होगा, फोर का रूट टू आता है, तो हम थ्री को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फोर माइनस वन। तो देखिए, फार्मूला में हम लोग को एक्स मिल गया फोर और वाई मिल गया माइनस वन। तो चलिए इसको फार्मूला में फिट करते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट फोर, ये वर्गमूल चार, और माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। वाई का वैल्यू है वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट फोर। ठीक है, तो चलिए और सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट फोर क्या होता है? टू माइनस वन अपान टू इंटू टू इक्वल टू टू माइनस वन अपान फोर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये टू माइनस, देखिए फोर को अगर हम लोग वन से डिवाइड करते हैं तो फोर टू जाए एट, है ना, और फोर फाइव जा 20। तो अगर टू में हम लोग 2.00 में 0.25 को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 2 गया तो 7 और ये 1, तो आपका आंसर क्या गया, 1.75। तो बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली रूट थ्री का वैल्यू जो है 1.73 होता है। तो देखिए, इस ट्रिक से हमने आसानी से इसको निकाल लिया। तो थ्री तो ईजी था, चलिए हम लोग कुछ बड़ा वाला करते हैं। मान लीजिए हम लोग रूट निकालते हैं किसका, 14 का। ठीक है बच्चों, तो 14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं हम लोग 16 माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 16 आ गया और वाई का वैल्यू 2 आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 अंडर रूट 16 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 कितना होता है? 4। तो 4 माइनस 2 वन जै 2, 2 वन जै 2 ये कट गया, 1 अपॉन 4, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है, 1 अपॉन 4। फिर 4 वन जै 4, फिर 0.25 आ गया। तो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.75 के इक्वलेंट। देखिए, सेकेंडों में आपका आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट करने में आप लोगों को बड़ा दिक्कत होता है। तो बच्चों, आज आप लोगों को जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ये ट्रिक हर कंपटीशन में आपका काम आएगा, हर क्लास के बच्चों के लिए है और हर प्रकार के कैलकुलेशन में ये आप लोगों को काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए। चलिए कुछ और करते हैं। हम लोग लेते हैं रूट रूट 17 लेते हैं। ठीक है, तो रूट 17 में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो रूट 17 में हो जाएगा 16 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट क्या है, 16, जिसमें 4 4 जा 16 होता है, प्लस 1 ये आ गया। तो चलिए इसको फार्मूला में हम लोग फिट कर देते हैं। तो हो जाएगा रूट 16 प्लस माइनस 1 अपान 2 अंडर रूट 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, रूट 16 होता है 4 प्लस माइनस 1 अपान 2 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है, प्लस किया है, तो प्लस ले लेंगे। तो 4 प्लस 1 अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा, 4.1, 8 1 जाए 8, 8 2 जाए 16 और 8 5 जाए 40। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 4.125। चलो ठीक है बच्चों, चलिए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। हम लोग लेते हैं अंडर रूट 57। ठीक है, अंडर रूट 57 में क्या हो जाएगा, देखिए इसका नियरेस्ट क्या होता है, इसका नियरेस्ट होता है 6 6 जो 7 7 जो 49 और 8 8 जो 64। तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, चलिए हम लोग 64 ले लेते हैं। तो 64 माइनस क्या हो जाएगा, ये 7। ठीक है, तो 64 माइनस 7 हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला में फिट करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा अंडर रूट 64 माइनस 7 अपान 2 अंडर रूट 64 इक्वल टू, 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 माइनस 7 अपान 2 इंटू 8, तो हो जाएगा 8 माइनस 7 अपान 16। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 माइनस ये हो जाता है 0.43। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.43
57। देखिए बच्चों, सेकेंडों में आंसर आपको मिल रहा है ना। तो आज पटेल कोचिंग पे मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट आप डेसिमल में आराम से बिना हिचक के निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी जो आपके फ्रेंड हैं जिनको रूट निकालने में प्रॉब्लम जाता है, तो इस फार्मूला को आप फैलाते जाइए। इतना फैलाइए कि सब लोगों को ये फार्मूला जो है बिल्कुल याद हो जाए। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो जैसे रूट 7 है, ठीक है, रूट 11 है, बड़ा नंबर देता हूँ तो रूट 33 है, और लास्ट जो है एंड रूट आपका 41 है। तो बच्चों, ये चारों रूट का आपको इस फार्मूला से सॉल्यूशन करके, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर को डालना है। मैं सबका आंसर देखूंगा और सबको मैं लाइक करूंगा। तो बच्चों को, आप लोगों को चैनल देखने के लिए और इस प्रकार के ट्रिक के लिए बिल्कुल चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बच्चों, थैंक यू।